चाय रेडी है? क्या बना रही है? मैं नहीं खाऊंगा, मेरा नो कार्ब डे आज, बस मैं ब्रोकली बना दिया। ये कुछ भी नीचे गिरता मुंह में डाल लेता है ये। रशी तुम उसको लेके जाओ बाहर। रशी आप माँ को संभालो जाओ। हम लोग क्या लेके आए कल बाहर से गए थे तो? ओ बाबी का गिफ्ट रशी माँ को बाहर ले जाओ, माँ बाहर ले जाओ, किचन के बाहर, किचन के बाहर। हाँ सबकी चप्पल सॉक्स सब खा जाता है माऊ। क्या हाथ में क्या है? अभी नहीं, शाम को पियेंगे। अभी नहीं बेटा, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। थैंक यू माऊ। चलो ब्रेकफास्ट टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम। चलो उपमा खा रही है, भाभी भी उपमा खा रही है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट पे अटेंशन टू योर चाय। इसको पता भी नहीं चला रहे तो क्योंकि मैंने चाय पी ली है। आपको पता चला अभी क्या कपला हुआ है? पता चला कुछ? चाय पी गए। अबे तेरे सामने से कोई पी गया तेरे को पता नहीं चला? बता। व्हेनेवर वी ईट फूड तो रशु को बोलती, रशु यू शुड ईट वेजिटेबल्स, हम स्ट्रांग बनेंगे। मम्मा कितनी स्ट्रांग है, हम लोग सब वेजिटेबल्स खाते हैं, बिल्कुल नहीं डरते। अगर घर में चोरा का चोर की पिट्टी कर देंगे। मैंने कहा हाँ घर में पति आता बहू करता तो। माऊ ओ माऊ क्या रहा है? माऊ माऊ लेकिन रशु से बहुत परेशान है यार, रशु बहुत तंग करती माऊ को। भाई ये क्या आज की थ्री बन रही है क्या? कौन कौन है अंदर? मेरे बच्चे दो, माँ और रशी दोनों अंदर है। So I'm preparing माँ's food। थोड़ा सा हमने इसकी डाइट इंक्रीज कर दी क्योंकि ये बेचारा पतला ही रह गया। थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ इसके अभी मिक्स करेंगे। मेरे घर में बच्चा पाल लिया है। बच्चा है ये है माँ की इम्यूनिटी की दवाई, स्ट्रॉन्गर बोन्स की, कैल्शियम फास्फोरस। हाय राम, कुत्तों के चाटो। अरे ये बच्चों को भी ये लेते हैं प्रोबायोटिक है। अरे कुत्ते से बचाते यार। हाउ कम योर फूड इज रेडी माओ? माओ को लेके तो आओ, लेके तो आओ माओ को। आजा माओ के, माओ के, माओ के, माओ आ गया, माओ। अच्छा अरे अरे माओ को बिठाओ, माओ से, माओ से, माओ से, माओ से। मैं तो पगला गया भाई खाने को देख। अरे माओ पगलाओ नहीं मिलेगा, मिलेगा तू जब पापा कहेंगे तब देना, सभी मत देना। रुक जा माओ से जाओ, माओ से 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 जब पापा कहेंगे माओ से। हां हां सारा नहीं खा बस। So that completes mouse training. Day two it's okay. No worries. सह लेंगे थोड़ा। अच्छी डॉगी कैसे खाते हैं? कैसे खाते हैं? इसको बहुत टेस्टी लगता है। इसको मेरा डेप टू डेप। अच्छा दाल सभी। अच्छी हमारा माँ कैसे खाता है? अच्छा दाल सभी। पापा को ही मार दिया। हाँ। मेरी मम्मा, मेरी पापा, मेरी डॉगी और मेरी दस। तेरा फोन चार्जिंग क्यों नहीं लग रहा भाभी? क्या हो गया इसको? क्या लाया रशु मेरे लिए? जूस लाया मेरे लिए। इतना सोना बन के पढ़ाई हो गई तो आज से गया बाकी है तो 11 से 12 मम्मी इसकी रोज क्लास लगाती। जाओ पढ़ाई करो। चलो भाभी का फोन तब से पड़ा, मैं कह रहा हूँ चालू नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ। सॉरी तो लगाया ही नहीं। हेलो माऊ तुम मुड़ गए फोन के बाद से? माऊ आ गया, माऊ कह रहा मेरे को रशु को मिलना है। प्यारी ना करो उसको। अच्छा माऊ आ जा, आ जा, आ जा। मैं आया। माऊ का है, माऊ का है, माऊ का है। ऐसे लेटी हुई थी, माऊ अंदर था। रशु मम्मा ने माऊ को बिस्तर में सुनाया था ना? बेटा माऊ को बिस्तर में नहीं, चटवा लो इससे वो चलेगा लेकिन बिस्तर में नहीं। माऊ को पोटी दिखाने, माऊ यहाँ लेटा हुआ था। माऊ को अपनी पोटी दिखा के आई है कि माऊ अपने पोटी क्यों करी? सुसु पॉटी बाथरूम। अरे ये क्या हो गया? स्लेप्ट फॉर अ गुड नाइट 1.5 आवर। अभी बहुत रिफ्रेश फील कर रहा हूँ। 4:30 मेरी कॉलेज मीटिंग्स हैं, मेरी थोड़ी मीटिंग्स हैं। फीडिंग निपटा के जाएंगे जिम और रात को आज पूरी रात पढ़ाई, जोरदार पढ़ाई। रशु गिर के भी स्लीप हो रही है। पहले मैं कह रही थी माओ तुमने पॉटी क्यों की? माओ सुसु पॉटी बाथरूम खुद की निकली पड़ी है। हाँ भाई ऊपर आना है। चलो भाभी अगला लेटर बताओ। भाभी ये कौन सा लेटर है? ये भाभी ये कौन सा लेटर है? ये नफुसड्डी स्टूडेंट। वाई फॉर येल्लो, येल्लो नहीं येल्लो।
भाई मैंने सुना है बहुत अच्छे से खेले थे, माओ को भी खिला दो यार। खुद का स्कूल में एडमिशन हुआ नहीं है, भाभी को पढ़ाने चलिए। मैं और माओ पढ़ेंगे। U for umbrella. रशु मैंने आपके लिए बहुत अच्छा गेम मंगाया, खेलोगे? रशु बहुत बड़ा गेम है, बहुत बेस्ट गेम है, बेस्ट। हाँ रशु गेम आ गया, जाओ खोलो फिर गेट पे खोलो। लेकिन ये माओ तो जहाँ इसको जगह मिलती है वहाँ सो जाता मोटे। रशु का गेम आ गया, जाओ रशु। बहुत बड़ा गिफ्ट भी आया है भाई मेरे गोलू का। ऐसे ऐसे थोड़ी ना। आइज क्लोज। माओ देख रहा मेरा तो नहीं है, पहले गिफ्ट तो दिखाओ पापा। ऐसे रशु पापा पागल बना रहे हैं, इसमें F फॉर फ्रिज है। रशु पापा वाओ कि मम्मा वाओ? पापा वाओ। यहीं से चपेट आएंगे। क्या है इसमें? शी कैसा लगा इधर? कैसा लगा रशु आपको? नहीं होगी क्या? पिच्ची दे रहा है क्या? रशु सीट बेल्ट ठीक है, अभी हमको यहाँ पे कनेक्शन बनाना पड़ेगा ठीक है। चलो इसको लगाते हैं पहले। माओ आगे चलो, आगे चलो। हाँ तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कार इज डन, नाउ वी आर अटैचिंग द हैंडल। ओके रशु आया आया आया, ये तो बहुत अच्छी वॉकिंग करने लगा है रशु, है ना? अब फील लगा दे फीट। रशु अभी आप मम्मी के साथ चले जाओ, अभी लेट हो रहे हैं, पापा बाद में ये गाड़ी ठीक कर देंगे। जाओ 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 जाओ, जब वापस आओगे घर तो पापा ठीक करके रखेंगे इसको ठीक है। चलो बाय एवरीवन। माओ तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। माओ खाना खाएंगे? अच्छा खाना रेडी आ जाओ। आगे भागे 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 डाउन से डाउन से डाउन से डाउन से पहले बैठो तब मिलेगा। बैठो बैठो सिट। ओके माओ ईट दिस दिस साउंड व्हिच डॉग मेक्स व्हाइल दे ईट, इट इज सो सैटिस्फाइंग। सो गोइंग टू द जिम नाउ। पहले मेरा जिम टाइम होता था लाइक थोड़ा आफ्टरनून टाइप, क्योंकि आफ्टरनून टाइप में ट्रैफिक वॉज लेट्स कॉल इट TM, वेयर M स्टैंड्स फॉर माइल्ड ट्रैफिक। सो TM था, जाते समय भी आते समय भी TM था, बट आते समय हल्का हल्का कभी इट यूज टू बी TM+1, तो माइल से हल्का सा ज्यादा। बट आई चेंज माई जिम टाइमिंग नाउ, तो अभी इस समय आते वक्त तो ट्रैफिक काफी हैवी रहता है, मतलब इट बिकम्स TH, बट वापस जाते समय इट इज रियली लेट, सो इट इज इट बिकम्स वेरी लाइट, सो TL। तो टोटल टाइम विच आई स्पेंड वेन आई टेक इंटू अकाउंट TH हैवी प्लस TL इज लेस देन T mild into 2. So I hope you are getting this formula. So this is one more formula you can put in our book of the formulas by Shri Shri Gaurav Taneja. And I think we are doing a good job and we are excelling at making formulas. मुझे लगता है कि बस जे में आने की देरी है इन फॉर्मुलस की। तो ये हमारे जिम के अरे सर एक तो हाय तो बोल दीजिए, अरे हाय तो बोल दीजिए। तो ये हाय नहीं बोल रहे अभी, हमारे जिम के वो है पार्किंग लगवाते हैं। उन्होंने कहा सर बढ़िया पैदल पार्किंग लगाई, हमने कहता सर हम तो ऐसे ऐसे लोग लगवाते हैं जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती। अरे थैंक यू भाई। अरे कोई कॉस्टली नहीं है। तुमने क्या किया? तुमने बहुत बढ़िया काम किया, पता क्या किया तुमने? तुमने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। इंस्पायर समझा ना क्या बोलता हूँ, मतलब इंस्पायर मतलब प्रेरणा दी, प्रेरणा दी बहुत लोगों को पढ़ाई करने को। कहते हैं सर ये तो काम कर रहा है रात को और पढ़ रहा है, हम तो घर पे कुछ नहीं करते बैठे रहते फिर भी नहीं पढ़ पाते, तो हम भी पढ़ेंगे। बहुत अच्छा काम किया तुमने। मम्मी जी को बताया था? हाँ मम्मी जी कह रहे थे नहीं उनके ऐसा ना करो पैसे दे देना। कहाँ रहते हो? मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट से। किसके साथ रहते हो? पापा जी भी रहते हैं। पापा जी क्या करते हैं? पापा जी भी ड्यूटी कर रहे हैं यहीं इसी बिल्डिंग में। आज क्या पढ़ रहे हो? भूगोल। भूगोल? अरे यार भूगोल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है यार। क्यों सर?
अच्छी नहीं लगती मेरे को। सर जियोग्राफी बहुत अच्छी है, फिर आज से स्टार्ट करूंगा। आपा जी कह रहे थे हाँ। आप अपना नंबर दे दीजिए, हर मंथली आपको पैसे पे करना। हम दे देंगे, रुक जाओ जल्दी में। दे दीजिए, हम कहीं जा थोड़ा ना रहे। अच्छा ये वाले सवाल हमको पसंद आते हैं भूगोल के। हाँ किस नदी के किनारे? चलिए पढ़ाई करो, चलो कल चल जाएगा ठीक है। एग्जाम कब है? 18 अप्रैल। ऑल द बेस्ट। बट गाइस रीच होम, ऋतु लेडी है चार, मैं जा रहा हूँ पढ़ने अपना डिनर करके। थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ है और कल मैं किसी की बहुत गंदी बजाने वाला हूँ। प्रॉपर्टी लॉ बस खत्म होने वाला है, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। अच्छा गिफ्ट के बारे में पढ़ा तो हमने, गिफ्ट एक केस हो गया था कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, उनकी लड़ाई हो गई तो उसने कोर्ट में केस कर दिया कि मैंने इसके ऊपर बहुत खर्चा किया है और मुझे सारा वो वापस ही क्योंकि ब्रेकअप हो गया। तो फनी फनी केसेस भी होते रहे। सो माओ स्लीपिंग इन दी ऑफिस, माओ लेट्स गो।